देखो लास्ट क्लास में जो हमने किया था उस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं तो अभी बच्चे आए हैं ट्वेंटी टू कोई बात नहीं लास्ट क्लास में किया ही हुआ था तो जो नए आएंगे उनको कुछ नया नहीं, नहीं लगेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखो क्या होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन जितना ज्यादा जल्दी रिड्यूस हो जाएगा ठीक है वो दूसरों को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा ठीक है और जो जितना ज्यादा खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो दूसरों को क्या करेगा रिड्यूस करेगा ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिड्यूसिंग करेक्टर अगर अच्छा है इसका मतलब वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जा रहा है इजिली ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है ऑक्सीडेशन क्या होता था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है कि ईजिली इलेक्ट्रॉन को दे देगा और इजिली इलेक्ट्रॉन को दे देने का क्या मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या रही होगी कम रही होगी ठीक है तभी तो इजीली दे दे रहा है मतलब कि जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है इट विल बी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आयनाइजेशन एनर्जी बात क्लियर है सबको

उतने ही अच्छे क्या होंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे जबकि अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जे टू गेन इलेक्ट्रॉन एनहेंस दे हैव ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर उल्टा हो जाएगा ठीक है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी के वो आयनाइज होना नहीं चाहेगा वो तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा देना नहीं चाहेगा ठीक है तो ये था कुछ रिड्यूसिंग कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हम कैसे बता सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से ठीक है है सीजियम जो होता है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट uh, होता है क्योंकि आपको पता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि इसका साइज एक तो सबसे बड़ा है सबसे नीचे आता है और ये इसको एक ही इलेक्ट्रॉन देना होता है तो इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आल्सो ठीक है मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट तो इसलिए भी ये क्या करता है जल्दी दे देता है इलेक्ट्रॉन्स को एनहेंस इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है फ्लोरीन की वही बात करें तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा देना नहीं चाहेगा एंड हेंस इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक जब लिथियम से हम एजी पर आते हैं लिथियम टू ए जी ये क्या करेगा हाइड्रेट होगा और ये क्या होगा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा ठीक है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर मैंने बताया था एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मेटालिक कैरेक्टर जिसका मेटालिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा और मेटालिक ऑक्साइड्स आपको पता ही है जैसे कि सोडियम ऑक्स का ऑक्साइड है तो वो पानी में मिलाओगे तो क्या बना लेगा एन बना लेगा ठीक है मैग्नीशियम का ऑक्साइड है कैल्शियम का ऑक्साइड है ये सारे पानी मिलाने पे क्या लेते बना लेते हैं बेस बना लेते हैं मतलब इनका नेचर क्या हो जाएगा बेसिक नेचर हो जाएगा जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गए जितने आपके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर आपका आ, क्या हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड हो गया ये सारे को पानी में मिलाने पर क्या करते हैं ये एसिड बना लेते हैं ठीक है इसीलिए इनका नेचर कैसा होता है एसिडिक होता है तो अलोंग द पीरियड एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं सॉरी अलोंग द पीरियड की बात हो रही है तो अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है यहाँ से यहाँ जाते हैं तो और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा इंक्रीज होगा ऑक्सीजन ऑक्साइड क्यों नहीं बना सकता है थ्री क्या होता है ऑक्सीजन का ही तो ऑक्साइड है तो उससे भी नेचर पता लगता है ठीक है और बेसिकली नॉन मेटल्स क्या होते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ठीक है तो डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है बढ़ रहा है और मेटेलिक करेक्टर के बढ़ने से क्या हो जाएगा बेसिक करेक्टर बढ़ेगा ठीक है डाउन द ग्रुप जैसे कि एल आई टू एन ए टू के टू तो बेसिक करेक्टर क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है अलॉन्ग द पीरियड देखो लिथियम बेरेलियम बोरॉन कार्बन डाइऑक्साइड और ये ठीक है एक तरह का ऑक्साइड होता है नाम सुना होगा आपने एम्फोइ्रिक ऑक्साइड तो एम्फोइट्रिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं विच बिहेव्स एज बोथ जिनके पास एसिडिक करेक्टर भी होता है और बेसिक करेक्टर भी होता है ठीक है मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं ठीक है तो वो होते हैं एम्फोइट्रिक ऑक्साइड्स यहाँ पे हमने देखा था कल कि हम कैसे आयनाइजेशन एनर्जी से क्या बता सकते हैं कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं वो कैसे देखते हैं हम जहां पे भी सडन जंप आए बहुत ज़्यादा जंप आए किसमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में इसका क्या मतलब हो जाता है वहां पे क्या हो रहा होगा आपका शेल क्या हो रहा होगा चेंज हो रहा होगा और शेल चेंज होने से से शेल या फिर सबशेल बोलेंगे शेल नहीं सब शेल बोलेंगे सबशेल चेंज हो रहा होगा और सबशेल के चेंज होने की वजह से क्या होगा एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ेगी मतलब वो सेम सब शेल में नहीं है तो वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा जिसमें कम वाली वैल्यू है ठीक है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक और चीज हमने देखी थी ये भी एक एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड क्वांटिटी है क्या कि जब आयनाइज आएनेजे, दो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हम देख रहे हैं और दोनों का जो डिफरेंस है हम मान लो देख रहे हैं ए प्लस का और ए प्लस टू का ठीक है अब इनके आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है अगर तो वो ग्रेटर देन क्या हो सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है इनका आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो अगर ग्रेटर देन क्या हो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब ऑक्सीडेशन कौन सा स्टेबल होता है लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेबल मतलब बड़ा हो तो उल्टा ठीक है अगर ग्रेट हो ग्रेटर देन 16 हो तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा और अगर लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तब कौन सा स्टेबल होता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मतलब इधर कौन सा होगा इस केस में अगर ऐसा होगा तो ए प्लस जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा ए प्लस टू स्टेबल नहीं होगा लेकिन अगर इस केस में देखा जाए तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज ए प्लस टू ये स्टेबल होगा तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी से ये भी पता चलता है दी है सबको और अगर बिटवीन इलेवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड तो क्या हो जाएगा हमारा दोनों ही स्टेबल होंगे ठीक क्लियर है किसी को डाउट कल हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी स्टार्ट कर ही दिया था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखते हैं तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस आइसोलेटेड एटम ठीक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन को एड करा रहे हो जबकि आयनाइजेशन में क्या कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे ठीक है लेकिन दोनों ही केस में सिमिलैरिटी क्या है हम दोनों ही काम किस में करेंगे एक गैसीयस आइसोलेटेड एटम में करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी ठीक है वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है अब इंथाल्पी देखो क्या हो सकती है इंथालपी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है ठीक है तो जब पॉजिटिव होगी पॉजिटिव होगी इसका क्या मतलब हो रहा है कि एनर्जी वो क्या कर रहा है गेन कर रहा होगा ठीक है एनर्जी गेन कर रहा होगा एनर्जी गेन कब करेगा कोई भी चीज जब वो अनस्टेबल होगा एनर्जी गेन करेगा अपने आपको स्टेबल करने के लिए ठीक है और नेगेटिव है तो क्या है मतलब यहाँ पे क्या है एक्जो थर्मिक होता है मतलब वो स्टेबल हो चुका है और एनर्जी क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है ठीक है तो जनरली जो फर्स्ट ई ए होता है ई ए वन दैट इज जनरली नेगेटिव ठीक है नेगेटिव होता है क्योंकि जब पहली बार आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगा जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से जो आपका एंथेल्पी है वो क्या हो जाएगा सेकेंड वाला और उसके बाद वाला सारा क्या जाएगा? आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा क्लियर है सबको सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथेलपी इज सिमिलर टू जैसे हमने उसमें देखा था क्या आयनाइजेशन इंथेलपी में जब पहले में एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया ऐड किया तो ये ई वन हो जाएगा या फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा ई जी एच वन ठीक है H1, जो कि क्या होगा नेगेटिव होगा अभी बात की थी ऑक्सीजन का क्या होता है ऑक्सीजन का भी सेम होगा क्या पहला वाला तो नेगेटिव होगा दूसरा वाला साइज स्मॉल होने की वजह से और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो वो रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जिसके लिए उस रेजिस्टेंस को आपको ओवरकम करने के लिए इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी देनी पड़ेगी तो एनर्जी ये गेन करेगा और गेन करेगा तो डेल्टा ईजी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है तो फर्स्ट ई क्या होता है जनरली नेगेटिव होता है और जितने भी सक्सेसिव उसके नीचे आते जाते हैं वो क्या हो जाते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने लगता है नीचे जाने से फैक्टर्स इफेक्टिंग ई ए इज सिमिलर टू द फैक्टर्स इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा आपका जेड इफेक्टिव करेगा यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा जेड इफेक्टिव आपका बढ़ रहा है न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ रही है तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अपनी तरफ खींचेगा तो मतलब यहाँ पे क्या होगा एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा ठीक है साइन कन्वेंशन आपको पता ही है मैंने कल बताया था कि डेल्टा ई जी एच क्या होता है हमेशा माइनस ऑफ ई ए होता है ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो ई ए कम होता जाएगा इनवर्स रिलेशन दूसरा फैक्टर तीसरा स्क्रीनिंग अगर अच्छी है स्क्रीनिंग अगर अच्छी है गुड शील्डिंग है गुड शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव क्या होगा डिक्रीजेस और जेड इफेक्टिव जहां डिक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो आपका ई ए क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का ये इफेक्ट हो जाएगा पेनिट्रेटिंग पार अगर एस ऑर्बिटल में एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है अगर आपको एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन देना है मतलब वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा एस ठीक है तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा ले फटाक से ठीक है तो ये उसका उतना ही ज्यादा होगा ठीक है और पेनिट्रेटिंग पार जितना मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है एज कम्पेयर टू इसमें इलेक्ट्रॉन एड करना है एज कम्पेयर टू इसमें करना है एज कम्पेयर टू इसमें करना है स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन एड कराना चाहेगा अपने में नहीं ठीक है तो इसीलिए ई ए विल बी इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ठीक कल पढ़ाई था हमने सब

ठीक है देन हाफ फिल्ड जैसे कि हमारा नाइट्रोजन वाले में हो गया ठीक है एन एस टू एन पी 3 ठीक ये हो जाएगा स्टेबिलिटी अब इसका ट्रेंड देख लेते हैं कैसे होता है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव वाज इंक्रीजिंग ठीक तो जेड इफेक्टिव के इंक्रीज होने की वजह से ईए भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा पहली बात ठीक है मतलब ई ए बढ़ने का क्या मतलब है ई इज इंक्रीजिंग तो डेल्टा ईजी क्या हो जाएगा एच क्योंकि ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है और साइन कन्वेंशन तो उल्टा है मतलब ये क्या हो जाएगा और ज्यादा मतलब नेगेटिव वैल्यू करते जाएगा ठीक है जैसे कि माइनस हंड्रेड है फिर माइनस टू हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड एंड सो वन इट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जबकि ई अगर पॉजिटिव है तो हंड्रेड है तो टू हंड्रेड हो जाएगा फिर 300 हो जाएगा एंड सो ऑन ठीक है साइन उल्टा होता है ई ए और ई जी एच का नंबर ऑफ डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो फिर ई ए डिक्रीज होगा ठीक है मतलब लेस नेगेटिव हो जाएगा इसका हमने देखा था हाइड्रोजन और हीलियम में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है हीलियम का तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा ठीक है इसका क्या होगा ये कम होगा जबकि इसका ये क्या होगा मोर इलेक्ट्रॉन मोर नेगेटिव हो जाएगा सेकेंड पीरियड में अगर आए तो ये क्या होता है लीवे बकनोफ नी ठीक है तो अब देखो इसमें ये क्या है इनर्ट ठीक है तो ये तो बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा तो सबसे कम होगा इसका इनर्ट एंड फुल्ली फिल्ड एंड इनर्ट उसके बाद हम देखेंगे कि फुली फिल्ड विच इज नॉट इनर्ट तो फुली फिल्ड विच इज नॉट इनर्ट में एक तो आता है अपना बेरेलियम और एक आता है नाइट्रोजन ठीक है अब उसमें ये इसका साइज क्या है ये क्या है वन एस टू टू एस टू और ये क्या है वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री तो इसमें भी ये कौन है ये ज्यादा स्टेबल है ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा तो नियॉन देन वी हैव हाँ, पेरेम देन वी हैव हाँ, नाइट्रोजन अब बाकी अब देखो बोरॉन और लीथियम में तो लिथियम का क्या होता है वन एस टू टू एस वन ठीक है जबकि बोरॉन का क्या हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी वन ठीक है अब देखो अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ये हमारा लिथियम है और ये हमारा बोरॉन अब ये क्या है इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से कौन ले लेगा एस वाला ऑर्बिटल लेगा या पी वाला ऑर्बिटल लेगा ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है ठीक है तो ये इजीली कर लेगा तो इसका क्या हो जाएगा अपने आप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और इसका ई बढ़ जाएगा तो रीजन भी पेनिट्रेशन इफेक्ट बाकी सबका तो उसका साइज ही ठीक है थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो थर्ड पीरियड में देखो क्या है हमारा सोडियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन पेरेलियम से पहले क्यों नहीं आया इसमें किसको देना है एस को देना है और इसमें किसको देना है पी को देना है ठीक है किस किसमें आएगा इलेक्ट्रॉन इसके बाद तो इसके पास ऑर्बिटल है वन एस टू टू एस टू ठीक है अब इसको करने के लिए किसमें जाना पड़ेगा टू पी में जाना पड़ेगा ना और इसको तो पी में इसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसलिए ठीक है अब इसमें देखा जाए तो आर्गन का सबसे कम होगा फिर मैग्नीशियम का क्योंकि हाफ फिल्ड एंड यू हैव हैलुमिनियम ठीक है फिर सोडियम सल्फर एंड हमें दोनों हमें सारी चीजें देखनी है एक तो स्क्रीनिंग भी देखना है साइज भी देखना है और हमें क्या देखना है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड भी देखना है तो सारे को कंसिडर करके उसके बाद करेंगे तो हीलियम का देखो क्या होता है हीलियम का ईजी क्या होता है ये तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहता वन एज टू ठीक है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा डेल्टा ईजी एच क्या होगा पॉजिटिव होता है इसका ठीक है और बाकी सबका क्या होगा लेस देन और इक्वल टू जीरो ग्रुप सेवेंटीन की अगर बात करें एफ सी एल बी आर एन आई तो इसमें देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर बात करें तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बताओ साइज तो फ्लोरीन का छोटा है और क्लोरीन का बड़ा है फ्लोरीन को करना चाहिए था लेकिन आपको पता है यहां से जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है डिक्रीज होता है मतलब फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा का साइज सबसे छोटा ये बात समझ में आती है अब सबसे छोटे में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सात एक दो तीन चार पाँच छ सात ठीक है है सात इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी और क्लोरीन का साइज थोड़ा अब दोनों, भी साथ -साथ है। दोनों को क्या चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए अब ये देखो इसका रूम छोटा है अब इसको आठ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करना है तो अगर आठवां इलेक्ट्रॉन ये वाला आया तो क्या इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि एक तो ऑलरेडी इसका रूम छोटा था ऊपर से आठ इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करा दिया हमने जबकि अगर इसमें आठवां इलेक्ट्रॉन आया तो ये उतना ज्यादा कोई खास रिपल्शन तो शो करेगा लेकिन इससे तो कमी करेगा ना क्योंकि इसके पास साइज क्या है ज्यादा है तो इजीली कौन एक्सेप्ट कर लेगा क्लोरीन ठीक है इसीलिए क्योंकि फ्लोरीन का साइज रीजन क्या हो जाएगा फ्लोरीन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा इसलिए क्लोरीन इज़ीली एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद फ्लोरीन एंड देन आपका साइज वाला रोल प्ले करेगा रोमेन एंड आई तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ई ऑफ क्लोरीन इज हायर देन दैट ऑफ फ्लोरिन वाई हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सबसे ज्यादा है वो बात तो सही है लेकिन जब एक्चुअली आप इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करा रहे हो उस छोटे से रूम में फ्लोरीन के छोटे से सबशेल में तो उस टाइम पे फ्लोरीन क्या करेगा पीछे हट जाएगा क्योंकि उसका क्या होगा साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है तो उस टाइम पे फ्लोरीन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा ठीक है इसीलिए उसका अगर जब हम ई ए की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ उसकी अफिनीटी कितनी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स तो इट सेल जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है कि उस उस एलिमेंट को उस पर्टिकुलर एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की कितनी ज्यादा इच्छा है कितनी चाह है मतलब लव फॉर इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ठीक है अब फ्लोरीन का साइज़ तो उसका घर तो वैसे ही छोटा है वो क्यों अपने और मेहमान को बुलाएगा ठीक है तो इसलिए ऐसा होता है तो यही रीजन है इन पीरियड टू एक तो पीरियड टू में है ठीक है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गोज टू स्मॉल शेल ठीक है स्मॉल शेल में जा रहा है वेर इट फील्स रिपल्शन वाइल इन पीरियड थ्री क्लोरीन है पीरियड थ्री में है, है जबकि वहां पे साइज थोड़ा ज्यादा है spacious है स्पेशियस पीरियड क्योंकि वहां शेल बड़ा होगा तो रिपल्शन इज लेस ड्यू टू लार्ज साइज इसीलिए ये रीजन होता है तो नाइट्रोजन का भी क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैसे तो क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस लेकिन इसका ये हो जाएगा फॉस्फोरस का ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन का भी सेम केस हो जाएगा ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा सल्फर से कम हो जाएगा एंड फ्लोरीन का क्या हो जाएगा क्लोरीन से कम हो जाएगा रीजन वही हो जाएगा कि सेकेंड पीरियड में साइज तो ब्रोमीन से ज्यादा तो इसलिए है क्योंकि इसका आप देखो अब ये रजिस्ट तो कर रहा है लेकिन इतना भी नहीं रेजिस्ट कर रहा है कि ब्रोमीन ब्रोमीन का तो साइज बढ़ गया ये किस में आ गया कौन से पीरियड में आ गया ये सेकेंड थर्ड फोर्थ पीरियड में आ गया जबकि ये किस में है फर्स्ट पीरियड में तो यहाँ पे आपको पेनिट्रेशन भी तो देखना है कि यहां पे शेल कौन सा है इस शेल में डालना है आपको इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे फोर्थ में डालना है तो किसमें ज्यादा आएगा attraction? ठीक ग्रुप सिक्सटीन का देखो सल्फर से तो कम होता ही है लेकिन ऑक्सीजन का सबसे कम होता है सबसे पीछे चला जाता है ऑक्सीजन ठीक है तो सबसे ज्यादा किसका होता है सल्फर देन सेल्यूरियम देन टेलूरियम देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लास्ट में आ जाता है ठीक है तो ये हो जाता है क्यों क्योंकि अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन का भी साइज बहुत स्मॉल होने की वजह से ये क्या हो जाता है पहला तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अब इसको फ्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो कैसे कैसे करके उसने अकोमोडेट कर लिया और इसके इसके लड़ाई किससे थी क्लोरीन से ही थी लेकिन अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक तो साइज छोटा ऊपर से उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ठीक है तो एक तो वो कैसे भी करके एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन दूसरे में तो बिल्कुल ही ना बोल देगा और ना बोल के सबसे पीछे चला जाएगा कि मैं ऐसा ही सही हूं ठीक है तो ये याद कर लेना ये दिस इज इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का सबसे कम क्यों होता है ठीक है हाइएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अब ग्रुप सिक्सटीन में किसकी होगी सल्फर की तो सीजम का आयनाइजेशन एनर्जी सीजम क्यों क्या होता है एक सब बहुत अच्छा मेटल होता है ठीक है तो सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है इसीलिए वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है क्योंकि उसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए वो फटक से क्या कर देगा एक इलेक्ट्रॉन देख के सीजियम प्लस बना लेगा ठीक है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है मिनिमम होता है क्योंकि इट विल टेंड टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली जबकि अगर क्लोरीन की बात करें तो वो क्या करना चाहेगा इट विल टेंड टू गेन द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली तो इसलिए उसका ई ए क्या हो जाएगा मैक्सिमम तो ये क्या हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है हमारा सीजियम मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज क्लोरीन ठीक है और हीलियम की बात करें तो हीलियम तो देखो एक तो स्टेबल है गैस है ठीक है और दूसरा उसका साइज भी छोटा है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी तो बिल्कुल ही बना कर देगा कि मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा ही नहीं तो आयनाइजेशन एनर्जी चाहे कितनी भी एनर्जी दे दो मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देना तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे मैक्सिमम हो जाएगा और अफिनिटी इसको इच्छा नहीं है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेने की इसलिए Ea क्या हो जाएगा इसका मिनिमम हो जाएगा तो मोस्ट नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल हमारा क्या हो जाएगा हीलियम ठीक है अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन इन की अगर वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी है तो हमने बोला था कि जिसको इलेक्ट्रॉन की इच्छा होगी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या करेगा एनर्जी लूज करेगा पहली बार जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एनर्जी अगर लूज करेगा तो डेल्टा एजीएच की साइन क्या हो जाएगी एनर्जी लूज करने का मतलब एक्जो और एक्जो मतलब डेल्टा एजी की साइन नेगेटिव पहली बात ठीक है क्या मेटल्स को इच्छा होगी इलेक्ट्रॉन को लूज कर गेन करने की क्या मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी बिल्कुल नहीं होगी तो क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा अगर जबरदस्ती हम इलेक्ट्रॉन गेन करवाना चाहे भी उसको तो हमें उसके साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और उस उसका डेल्टा ई क्या हो जाएगा मेटल्स के लिए पॉजिटिव तो ये देखो लेकिन अगर मैं केटाइन्स की बात करूं, तो ऑलरेडी केटाइन है मेटल है जैसे कि हमारे पास सोडियम प्लस है ऑलरेडी वो एक केटाइन है मैंने मेटल की बात की है पे, अगर केटाइन की बात करूं, तो कैटाइन तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा ये तो कर लेगा इलेक्ट्रॉन गेन ठीक है तो कैटाइन का हमेशा वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा इसीलिए उसका हमेशा क्या होगा AG क्या होगा नेगेटिव का जब का जबकि क्या होगा वो ऑलरेडी एनायन है जैसे कि हमारे पास हो गया आपका नाइट्रोजन माइनस अब इसमें मैं इलेक्ट्रॉन अगर इसको एक और देना चाहूं तो इसका साइज छोटा है अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालने पे क्या होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगेगा तो जिसकी वजह से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑलवेज पॉजिटिव जब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन टायन या एनायन में अगर हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है वो सेकंड टाइम ही हो रहा है कोई भी प्रोसेस ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा तो ये हो गया आपका देखो ये ऑक्सीजन में अगर दूसरी बार इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये वन माइनस था ठीक है प्लस इलेक्ट्रॉन तो यहां पे एजी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अगर हम पहली बार दे रहे हैं ऑक्सीजन को तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन हम क्या दे रहे हैं पहली बार दे रहे हैं तो नाइट्रोजन में एजीएच क्यों पॉजिटिव होगा कोई मुझे बताएगा अगर मैं नाइट्रोजन में नाइट्रोजन आयन में कर रही थी तब तो क्यों पॉजिटिव हो रहा था मुझे समझ में आ रहा था लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन दे रही हूं तो वो लेना नहीं चाह रहा मतलब मुझे उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है ऐसा क्यों हो रहा है मतलब यहां पे भी एजी पॉजिटिव आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कोई बता सकता है साइज छोटा है तो क्या हो गया ऑक्सीजन का भी तो पहली बार साइज ऑक्सीजन का तो और छोटा था साइज तो इसमें भी तो नेगेटिव होना चाहिए क्यों होता है ऐसा दिमाग लगाओ नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कुछ स्पेशल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड है अब हाफ फील्ड है वो मतलब वो स्टेबल ऑलरेडी है अब तुम तो उसको इलेक्ट्रॉन डाल के अनस्टेबल करना चाह रहे हो तो क्या वो अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा इसलिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी उसको देनी पड़ेगी ठीक तो ये हो गया आपका केस नाइट्रोजन वाला भी केस याद रखना ठीक है तो यहाँ पे देखो एक सोडियम का एक केस है यहां पे सोडियम में हमने क्या किया ये वाला केस डिस्कस कर रही हूं सोडियम में क्या किया kay 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 पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाला एक इलेक्ट्रॉन निकाला पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी एनर्जी आएगी बता दो जल्दी से नाइट्रोजन nice. ने पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला फर्स्ट स्टेप में इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी एनर्जी आएगी ठीक है अब हमने क्या किया इसी में क्या किया एन ए प्लस में इसको एक इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया तो ये बन गया Na अब इसका कौन सी एनर्जी आएगी इस आएगी आपकी डेल्टा ठीक है इलेक्ट्रॉन गेन थाली ठीक है अब यहां पे क्या बोल रहा है कि चाहे कितना भी हो आई क्या हो जाएगा चाहे कितने भी नंबर का हो वो किसके बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा ईटीएच क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या होता है उल्टा होता है प्लस ई ए ऑफ एक्स ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा ठीक है अगर क्लोरीन का देखें क्लोरीन का सेम देखें तो क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया तो इसने बनाया क्लोराइड ठीक है तो क्लोराइड आयनाइजेशन एनर्जी अगर इसमें अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ये क्या आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी ये एक आयन है और कितने इसको, इसके ऊपर कितना चार्ज है सिंगल चार्ज है मतलब वन चार्ज है तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ यूनिवैलेंट एटम आयन अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होगा जिसमें जितना ज्यादा जेड होगा ठीक है उसमें उतना ही जित जिसमें जितना जिसका जितना ज़्यादा Z की वैल्यू होगी उसमें उतना ही ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा उसमें उतना ही ज़्यादा प्रोटॉन होगा और न्यूक्लियस में उतना ही ज़्यादा Z जेड इफेक्टिव की वैल्यू होगी और जितने ज़्यादा Z इफेक्टिव की वैल्यू होगी आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको उतनी मशक्क़त करनी पड़ेगी एनर्जी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज ये किसकी बात हो रही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी ये जो आपका ये वाला टेस्ट होने वाला है ना उसमें ये सब आएगा अगर कोई न्यूट्रल है या केटाइन है तो उसके लिए अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो आपको ऑब्वियसली वो क्या करना पड़ेगा एनर्जी देना पड़ेगा तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव अपने आप तो इलेक्ट्रॉन निकल के आ नहीं जाएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा किसी भी न्यूट्रल या केटाइन के लिए ठीक है जबकि अगर हम उसके लिए देख रहे थे कैटायन के, के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देख रहे थे तो वो क्या आ रहा था ये देखो एनए प्लस ये क्या आ रहा था नेगेटिव आ रहा था मतलब ये एक्सोथर्मिक आईई ऑफ एनआईन एनआईन में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है ठीक है तो एनायन है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा एनायन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वहां पे क्या हो जाएगा उसका डेल्टा IE क्या हो जाएगा पॉजिटिव ठीक है तो यहां पे पहले स्टेप में नेगेटिव ई तो पॉजिटिव होगा ही ठीक है अब यहां पे ये देखो. ये क्या हो रहा है सेकेंड स्टेप में जो डेल्टा एजी आया वो आया पॉजिटिव ठीक है अब यहाँ के करस्पॉन्डिंग जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा देखो ये क्या आ रहा है सिर्फ नेगेटिव साइन आ जा रहा है किसका 842 किलो जूल पर मोल ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ये क्या करेगा एनर्जी रिलीज करेगा ना जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दोगे तो ये स्टेबल हो जाएगा बेचारा कंजेस्टेड हो रहा था तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या करेगा एनर्जी रिलीज करेगा और कितना एनर्जी रिलीज करेगा जितना एनर्जी उसको दिया गया था एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर उतना एनर्जी वो क्या करेगा रिलीज कर देगा ठीक है अब एक और टर्म पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है ठीक है टेंडेंसी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट ठीक है इन कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल ठीक है तो किसी भी कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो टेंडेंसी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं ए और ए की बात करूं जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है एच टू और कैसे बॉन्डेड है कोवलेंटली अब इसमें देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो कोई क्या एक दूसरे को खींच रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन नहीं क्यों क्योंकि ये दोनों का ही क्या हो रहा होगा बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये दोनों क्या कर रहे होंगे बीच में अपने इलेक्ट्रॉन को रख रहे होंगे कोई केस खिंचाता नहीं, नहीं हो रही होगी लेकिन अगर यहाँ पे बात करें ए और बी की ठीक है ए और बी की बात करें और हमें पता है अगर ये गिवन है कि एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स बी ठीक है एक्स ए का क्या मतलब है जब एक्स ऐसे लिखते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ ज्यादा अगर खींचेगा तो उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम डेल्टा नेगेटिव से डिनोट करते हैं और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है और अगर उल्टा केस है अगर बी की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बी क्या करेगा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको इस पे डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस पे डिपेंड करता है तो पहला हो जाएगा आपका देखो साइज साइज तो है जिसका जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ही कम खींचेगा ठीक है जेड इफेक्टिव जिसका जितना ज्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर उतना ही ज्यादा लेगा इलेक्ट्रॉन का और वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और जितना ज्यादा चार्ज है कैटायन पे ठीक है अगर जैसे ए पे प्लस फोर चार्ज है तो वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा पोलराइज उतना ही ज्यादा करेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा तो अगर जैसे ये है ए प्लस ए प्लस टू ए प्लस थ्री तो इसमें कि, किसका ए प्लस फोर का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टू तो वर्स सेल विल बी द मोस्ट ठीक है एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज एनआईन पे जितना ज्यादा चार्ज है तो क्या वो और नेगेटिव चार्ज को अपने पास लेना चाहेगा नहीं लेना चाहेगा तो एनआईन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो कहने का ये मतलब था ठीक है हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे केमिकल बॉन्डिंग आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें देखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है अब एस ऑर्बिटल देखो एस ऑर्बिटल सबसे में इलेक्ट्रॉन के पानी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ठीक है तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है जिसमें एस कैरेक्टर देखो एस और पी में क्या है फिफ्टी परसेंट एस होगा और फिफ्टी परसेंट पी होगा इसमें देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा वन बाई थ्री हो जाएगा ठीक है वन बाई थ्री हो जाएगा और इसमें वन बाई फोर हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जिसमें जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी क्यों क्योंकि आपको पता है है कि एस क्या होता न्यूक्लियस के सबसे पास पास होता है और न्यूक्लियस के पास होने के होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है तो इसलिए एसपी हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ोगे फिर एसपी टू फिर एसपी थ्री इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देख लेते हैं क्या होता है देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज इज डिक्रीजिंग तो तो साइज इज इज डिक्रीजिंग द जेड इफेक्टिव इंक्रीजिंग इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी क्योंकि मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ते जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है ठीक है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि साइज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है और साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो घटना ही है ठीक है अब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट करते हैं हम यूजिंग अ पॉलिंग स्केल ठीक है पॉलिंग स्केल एक हमें एक पैरामीटर बताया हुआ है जिससे हम क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं किसी भी एक कंपाउंड में ठीक है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने क्या बोला था ए और बी एक कंपाउंड बना रहा है ठीक है ए बी तो अब इसमें इस कंपाउंड में, इस में पूरे के पूरे कंपाउंड में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है ठीक है क्लोरीन अगर अलग अलग है सीएल और फ्लोरीन है इनका तो हम बता देते हैं लेकिन अगर अलग अलग है तो कैसे बताएंगे देखो तो ये होता है आपका फॉर्मूला ये होता है जीरो पॉइंट टू जीरो यहाँ पे ई ए बी क्या है माइनस अंडर रूट ऑफ ई ए एंड इनटू ई अब ये क्या होता है अब ए बी को बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो है आपका ई ए बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी ए ए क्या है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ई ए ए क्या है बॉन्ड एनर्जी ए ए के बॉन्ड तोड़ने को जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए एंड ई बी बी सब बॉन्ड एनर्जी ऑफ ठीक है तो ये होता है आपका फॉर्मूला इसको याद रखना तो ये तो आया था आपका किलो कैलोरी पर मोल में अगर किलो जूल पर मोल में कर रहे हैं तो हमें पता है कि वन कैलोरी इज इक्वल्स टू फोर पॉइंट टू जूल तो इसको हम क्या करेंगे सिंपली डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट वन जीरो टू आ जाएगा किसमें पर मोल में ठीक हाइड्रोजन का हमें याद रखना हाइड्रोजन का कितना होता है टू पॉइंट वन और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है कितना तीन आ, आ, फ्लोरीन का होता है चार और ये आप याद रख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ये आपका काम भी आएगा तो दिस इज़ योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये देखो जैसे जैसे यहाँ यहाँ से जा रहे हैं तो ये मेटल था इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम फिर इसकी 1.5 पॉइंट यहाँ जाते जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है ये आपका टू फ्लोरिन का टू पॉइंट फाइव देखो पॉइंट फाइव से बढ़ते जा रहे हैं थ्री ऑक्सीजन का थ्री पॉइंट फाइव और सबसे ज्यादा किसका का फोर ठीक है तो ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज है जो आपको याद रखना है नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑलमोस्ट बराबर होता है ठीक है मिलकिन स्केल से भी हम देखो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करते हैं जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए क्या हो जाएगी ये हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी प्लस उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन टू ठीक है किसी भी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इससे मुलिकन स्केल से भी कर सकते हैं लेकिन ये याद रखना है कि ये किसमें आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर में आएगा में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ठीक है वेयर आई इज आइनाइजेशन एनर्जी एंड ई इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमें निकालना है तो वी विल गो फॉर मुलिकन स्केल और अगर ए बी का निकालना है तो हम कौन सा जाएंगे ऊपर वाला जो हमने पॉलिंग स्केल देखा था वो ठीक है तो, the... तो ये होता है अगर मुलिकन स्केल से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगी टू पॉइंट एट टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आप निकालोगे पॉलिंग स्केल से ये अलग अलग तरह के स्केल है आपको मेजरमेंट गिवन है कि कैसे निकालेंगे ये फॉर्मूला है आपका ये वैसे उतना ज़्यादा काम नहीं आता है नोट्स में लिख लेना एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आते हैं एप्लीकेशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें पहली बात तो पता चलती कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है किसकी मेटेलिक नेचर कितनी ज्यादा है जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतना ही अच्छा नॉन मेटल जिसकी जितनी कम वो उतना ही ज्यादा मेटालिक ठीक है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब वो क्या करेगा जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा और अट्रैक्ट करके रखेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा अट्रैक्ट करके रखेगा तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है तो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्लोरीन सी एन एफ और ये क्या है सी सी एल और सी बी आर तो एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होते जाएगा यहाँ पे जाते जाते बढ़ जाएगा ठीक है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड तो कौन किसको कितने ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है पोलैरिटी का जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव जो डेवलप हुआ था वो किस पे डिपेंड कर रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही तो डिपेंड कर रहा था कौन किसको कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और उसके ऊपर कितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये कौन डि डिसाइड कर रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कौन कितना ज़्यादा पोलराइज हो रहा है पोलैरिटी विल बी डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड स्ट्रेंथ अब देखो बॉन्ड अगर बहुत दूर दूर है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा या जो पास पास है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा जो क्लोज होगा बॉन्ड वो ज्यादा स्ट्रांग होगा दूर दूर है तो फिर बॉन्ड क्या होगा अब इसमें देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी e भी कम है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी e में डिफरेंस में क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमें पता चलता है देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका एसिडिक करेक्टर बढ़ते जाता है आपको पता है कि एन जो होता है वो क्या होता है माइल्ड होता है बहुत बेस बनाता है जबकि H2O तो न्यूट्रल ही होता है और उसके बाद आपका आता है एच एच तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है डिफरेंस बढ़ता जाता है वैसे ही एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स

डेल्टा ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ए और बी में देख रहे हैं तो उन दोनों का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है प्लस थ्री पॉइंट फाइव जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका स्क्वायर ठीक है तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही कुछ एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं ये आपका कुछ निमोनिक है ये याद रख लेना ठीक है? किस में कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा देखो लेक्ट्र... अगर अगर डिफरेंस एओ अब एओ एच एक कंपाउंड है अब हमें बताना है कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा तो अगर ए ओ का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है किससे ओ OH एच से ठीक है तो ये क्या करेगा इसको अपनी तरफ खींच के रखेगा ठीक है और खींच के रखेगा तो ये क्या दे देगा ओ OH एच दे देगा ओ OH एच दे देगा तो ये कैसा नेचर हो जाएगा इसका बेसिक नेचर हो जाएगा और वैसे अगर ये ज्यादा है तो ये क्या करेगा इजीली एच प्लस दे, दे देगा और एच प्लस देगा तो ये क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा ठीक है सो द चैप्टर इज ओवर कल हम क्या करेंगे कल सैटरडे uh, है ना कल हम बुकलेट डिस्कस करेंगे आज मैं बुकलेट दे दूंगी आप लोगों को तो डिस्कस बुकलेट और कल जैसे आपका संडे को जो टेस्ट होगा उसमें पूरा चैप्टर आएगा ये ठीक है किसी को कोई डाउट हो या कुछ हो तो पूछ लेना ठीक है ठीक है सो आई एम एंडिंग द क्लास ठीक है कल मिलते हैं फिर